गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू UGC NET सी नेट आर आर your guide for आई एम Professor गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर class. वेलकम टू क्लास आज की क्लास में हम अपने लेटर ओ को आगे लेकर जाएंगे जो हमने कल स्टार्ट कर दिया था कल हमने आई थिंक ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव तक पढ़ लिया था आज हम करने वाले हैं ओकेजनल पोएम्स ओकेजनल पोएम्स को समझना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है बहुत ही सिंपल रहेगा आपके लिए बस इसके एग्जाम्पल जो हैं आप लोगों ने वो देखने हैं uh, नाम से ही समझ आ रहा है आपको ओकेजनल पोएम्स ऐसी पोएम्स हैं जो एक पर्टिकुलर ओकेजन पे लिखी जाती हैं तो मान लीजिए किसी किंग का किसी किंग की वेडिंग सेरेमनी है तो उस पर गाई जाने वाली कोई पोएम या कोई uh, कोई और इवेंट है मेगा इवेंट है तो उस ओकेजन के अराउंड अगर एक पोएम रिवॉल्व करती है उसको हम ओकेजनल पोएम बोलते हैं जनरली ये सेलिब्रेशन पोएम्स होती हैं या फिर uh, uh, जैसे इन्होंने बोला मेमोरियलाइज़ करने के लिए किसी इवेंट को तो जो डेथ की पोएम्स हैं वो भी इसमें आ जाती हैं मतलब uh, मेमोरियलाइज़ कर रहे हैं आप किसी को किसी की डेथ हो गई है और आप उनके बारे में जो है उनकी डेथ के ओकेजन पे अगर आप एक पोएम लिख रहे हैं तो so, मतलब कई जो एलर्जीज़ हैं मतलब आप मान लीजिए अगर किसी एक एलर्जी है जो किसी इंसान की डेथ पे गाई जाने वाली है और उनको डेडिकेटेड है लार्जली तो वो पोएम भी ओकेजनल हो गई जैसे कि हमारे पास द बुक ऑफ द डिसज़ है जॉफरी चौसर की वो जो ब्लानशे uh, थी वो uh, फ्रेंड थी चौसर की तो उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनके हस्बैंड जॉन ऑफ गोंट रिक्वेस्ट करते हैं खुद पर्सनली चौसर को कि मेरी वाइफ के फ्यूनरल के लिए जो है एक पोएम आप बना के दें तो उन्होंने एक सॉर्ट sort ऑफ of वो डेथ पोएम एल सॉर्ट ऑफ ओकेजनल पोइट्री बनाई थी जो ऑफ गोंट ने एक्चुअली जो है अपनी वाइफ के सेरेमनी uh, पे जो है उस पोएम को रिसाइड किया था ठीक है तो ये आपका ओकेजन होता है तो ओकेजन गुड और बैड हो सकता है इट कैन बी अ बर्थ डे इट कैन बी मैरिज अ डेथ अ मिलिट्री एंगेजमेंट वॉर में विक्ट्री हुई है कोई नई ओपनिंग हुई है किसी बिल्डिंग की तो ऐसे ओकेजन्स में गाई जाती हैं ठीक है अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लो जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए जैसे कि एडमिंड स्पेंसर की एपिथ्यालमियन है एपिथेलमियन है ऑन द ओकेजन ऑफ हिज ओन वेडिंग एपिथेलमियन में बिल्कुल बिगनिंग से शुरू हो जाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग से जब से वेडिंग प्रेपरेशन शुरू हो रही है और टिल द लास्ट वेडिंग सेरेमनीज और उसके बाद हिज फाइनल कॉन्ज्यूमेशन ऑफ हिज मैरिज विद हिज़ वाइफ तो वो पूरा जो उनका वेडिंग का डे है ओकेजन है वो मार्क करता है इस पोएम में एपिथेलमियन में जॉन मिल्टन की लाइसिडस है लाइसिडस आपको पता है उनके फ्रेंड की एडवर्ड uh, किंग की डेथ पे उन्होंने ये एक पोएम लिखी थी एल देन एंड्री माविल की एंड होरेशन ओड अपॉन क्रॉमविल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड तो क्रॉमविल uh, uh, के अराउंड जॉन ड्राइडन ने फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी ऐसी पोलिटिकल पोएम्स लिखी हैं फॉर फर्स्ट क्रॉम्बिल देन ही रोटेड फॉर चार्ल्स द टू देन ही रोटेड फॉर जेम्स द टू तो वो भी काफ़ी ओकेजनल पोइट्रीज लिखते रहते थे लॉर्ड एल्फ्रेड एनिसन की द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड ये आपकी पोएम है जिसके अंदर की uh, क्रीमियन वॉर जो चल रहा था उस टाइम पे तो उसमें जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनके वैल और उनके uh, ब्रेवरी को जो है डेडिकेशन दी गई है ठीक है तो ये आपकी कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट आ जाइए ओड पे ओड देख लेते हैं पहले तो मैं ओड आपको बेसिकली समझा देती हूँ ओड क्या होता है पोएम्स के फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के परस्पेक्टिव से बिकॉज अभी ये सिम्पल क्वेश्चन भी नेट पूछने लग गया है नेट ना काफ़ी सरप्राइजिंग क्वेश्चन पूछने लग गया अगर मैं पिछले एक दो अटैम्प्ट की बात करूँ फेब मार्च और जून अटैम्प्ट की बात करूँ तो नेट काफी सरप्राइजिंग क्वेश्चन पूछने लग गया है जैसे क्वेश्चन वो बिल्कुल बेसिक जेनेरिक क्वेश्चन जैसे वो पहले नहीं पूछता था अब वो वैसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो ये सब बेसिक्स भी आपके क्लियर होने चाहिए कॉफी किसिप ले लेते ले हैं एक बढ़िया सी ताकि पढ़ाने में और एनर्जी आ जाए <laughs> जी Ode. Ode is basically uh, nothing else but a lyrical poem composed in three stanzas, composed in three stanzas, written to pay tribute. टू समन और समथिंग ठीक है समवन और समथिंग यानी कि जिसको आप ट्रिब्यूट पे कर रहे हो जिसको आप रिस्पेक्ट पे कर रहे हो इस पोएम के थ्रू वो एक पर्सन भी हो सकता है वो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है वो पर्सन लिविंग भी हो सकता है वो पर्सन डेड भी हो सकता है थ्री स्टैंडाज में ये पोएम लिखी जाती है थ्री स्टैंडाज में इसका डिविजन कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है जो पहला स्टैंडा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोफी सेकेंड स्टैंडा को बोलते हैं एंटी स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी क्यों क्योंकि ये स्ट्रोफी का इनवर्स इमेज होता है मतलब इनवर्स जैसे मिरर में आपको अपने राइट हैंड लेफ्ट में दिखेगा लेफ्ट हैंड राइट में दिखेगा तो मिरर में इमेज इनवर्स तो हो जाती है तो इसमें भी जो है इनवर्स पैटर्न में ही लिखी जाती है एंड देन फाइनली ई पोडी इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ जॉन कीट्स की पोयम है ओड ऑन मिलेंकली जो उनकी शॉर्टेस्ट ओड है 1819 की ग्रेट ओड्स में से वो ओड जो है एक रेगुलर ओड की स्ट्रक्चर में लिखी गई है थ्री स्टैंडा फॉर्मेट है उसमें तो स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी स्ट्रोफी में पहले वो बताएंगे कि अगर एक इंसान मिलेंकुलिक फेज से गुजर रहा है तो उसको क्या नहीं करना चाहिए फिर वो बताएंगे कि अगर एक इंसान मिलेंकलिक फेज से गुजर रहा है तो उनको क्या करना चाहिए उस इंसान को ठीक है ना इस तरीके से एंड ई पोडी में फाइनल वो अपना एक पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे एक एक sort ऑफ़ of देंगे अपने फाइनल को ये जो है हमें इसमें देखने को मिलता है ठीक है तो ये आपका ओड है ओड्स हमें मिली है एंशियंट ग्रीक सोसाइटी से इसका सोर्स है एंशियंट ग्रीक ओकेजनल ओड्स भी आ, ये स्टार्ट एज ओकेजनल पोएम्स हुई थी, थी बिकॉज ये कोई इवेंट uh, है कोई फंक्शन है उस पर खड़े होके पब्लिक के सामने uh, uh, उस इवेंट के बारे में बताने वाली पोएम्स होती थी या फिर किसी uh, अच्छी बड़ी पर्सनालिटी को आप कोई सोशल रिस्पेक्ट देना चाहते हैं उनके ऑनर में आपने कोई इवेंट किया है तो वहाँ पे ओट्स जो हैं गाई जाती थी तो इसका जो सोर्स है वो ग्रीक uh, ग्रीक से हमें मिला है और शुरुआत इसकी सॉर्ट ऑफ ओकेजनल ही हुई आप मान के चल सकते हैं ठीक है हाँ जी अब आ जाओ एक बार देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है इन इट्स ट्रेडिशनल एप्लीकेशन ओड डिनोट्स अ लॉन्ग लिरिक पोएम सो पहली बात तो पोएम की कैटेगरी क्या मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया हुआ है ब्रॉडली आप सभी वर्ल्ड में जितनी भी टाइप्स ऑफ पोएम्स हैं आप सबको ब्रॉडली टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं वन इज लिरिकल अदर ये लिरिकल पोएम है दैट इज सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर दैट इज़ सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर एंड ट्रीटमेंट एलिवेटेड इन स्टाइल क्योंकि मैंने आपको बताया ये ओकेजनल पोइट्री की तरह इसकी शुरुआत हुई है एंशियंट ग्रीक सोसाइटी में जो है आपको किसी पब्लिक फंक्शन में किसी को रिस्पेक्ट पे करते हुए जो है ये पोएम्स गाई जाती थीं इसीलिए इनका जो स्टाइल भी है वो ओकेजन के हिसाब से एलिवेटेड ही होता था एंड इट इज़ एबोरेट इन इट्स टैंजाइक स्ट्रक्चर एलैबोरेट मतलब रूल बाउंड है हमें रूल्स दिए हुए हैं कि उस रूल्स के तहत इसको जो है लिखा जाएगा नॉमन मैकलीन सेट द टर्म नाउ कॉल्स टू माइंड अ लिरिक विच इज मैसिव पब्लिक इन इट्स प्रोक्लेमेशन मैसिवली पब्लिक इन प्रोक्लेमेशन वही वाली बात की याद रखना इसका जो सोर्स है वो एंशंट ग्रीक फंक्शन या इवेंट्स होते थे तो उसमें ओकेजनल पोएम्स की तरह ये गाई जाती थी एंड पिंडारिक इन इट्स क्लासिकल प्रोटोटाइप पिंडारिक इन इट्स क्लासिकल प्रोटोटाइप बिकॉज उस टाइम में बैक इन द डे जब ओट्स शुरू हुई थी तो ग्रीक पोइट्री में सबसे कमाल की ओर लिखने वाले थे पिंडार पिंडारिक ओड्स जो हैं वो आपको आ, इसी रेगुलर स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी बॉडी बहुत स्ट्रिक्ट पैटर्न में लिखी जाती हैं और पिंडारिक ओड्स में जो है आप अपने सब्जेक्ट मैटर को काफी अपने लेवल से ऊपर उठा के आप उनको कैननाइज कर देते हो आप उनको पेडिस्टलाइज कर देते हो ठीक है आप उनकी वैल्यू जो है बढ़ा देते हो ऊपर के दर्जे में उसको बिठा देते हो Uh, दूसरी तरफ एक हमारे फेमस लैटिन राइटर रहे हैं होरेस। होरेस ने भी फेमस ओड्स लिखी हैं। होरेशियन ओड और पिंडारी ओड ऐसे डिफरेंस है कि होरेशियन जो ओड्स होती थी वो uh, अपने सब्जेक्ट मैटर को इतना एलिवेटेड ट्रीटमेंट नहीं देती थी इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी uh, ओट टू द वेस्टवेंट पी बी शैली की पी बी शैली की ओट टू द वेस्ट फ्रेंड जो है इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अंडारिक ओड इन कॉम्बिनेशन विद अ विदेशन ओड वो एक ही पोएम में आपको दोनों स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे पोएम फाइव स्टैंडा में लिखी गई है जो फर्स्ट थ्री स्टैंडाज हैं उसमें विंड को जो है एलिवेटेड स्टाइल में जो है उसको रिस्पेक्ट पे की गई है तो uh, वह उस, उस केस में अगर हम देखें तो इट इज़ uh, पिंडारिक बट जो लास्ट के जो दो स्टांजार्ज हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि जो ओड है हमारी वो uh, पर्सनलाइज हो जाती है काफ़ी ज्यादा और उसमें uh, वो जो स्पीकर है वो वेस्मिन को बोलते हैं ओ वाइल्ड वेस्मिन ओ फियर स्पिरिट बी दाओ माय स्पिरिट तो मतलब वो ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं मैं तुम 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 बन जाओ, वो तुम मैं बन वो बोलेंगे जाओ जाओ मेरे में में पावर है तुम मुझ में समा सॉर्ट ऑफ sort of, मेरी तुम्हारी पावर्स मेरी से मिल जाए ताकि मेरी पावर्स मैग्नीफाई हो नॉट अदर वे अराउंड ठीक है तो वो अपनी पावर्स को अभी भी सुप्रीम मान रहे हैं वो बस बोल रहे हैं कि उनके पास वो मीडियम नहीं है उतने लंबे डिस्टेंस तक अपने आइडियाज को ट्रैवल कराने का जितना वेस्टमेंट करा सकती है तो उसको बोल रहे हैं कि उसकी स्पिरिट मेरी स्पिरिट बन जाए ताकि मेरी पावर्स जो हैं वो और ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाए तो यहाँ पे उन्होंने अपने सब्जेक्ट मैटर को रिस्पेक्ट तो पे की है सॉर्ट sort ऑफ of, लेकिन उसको बहुत पेडेस्टलाइज नहीं किया बहुत कैननाइज नहीं किया बहुत ऊपर के लेवल पे नहीं चढ़ाया अपने लेवल पे रख के उससे बात की इनफैक्ट अपने आप को उससे बेटर ही दिखाया है तो ऐसे ओड्स को हम फिर और ओड्स जो है कहते हैं आज थर्टीनथ है कल फोर्टीनथ है हाँ आज प्रॉब्ली लास्ट अपनी क्लास रहेगी ये एम एच एब्राहम्स की इस सेशन के लिए बिकॉज मैंने आपको हमने कई बार आपको बताया है कि हम 15 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं हमारा दीस क्लासेस कॉल द थर्टी डे क्रैश कोर्स जिसमें आपको 10 की 10 यूनिट्स हम अच्छे से कराएंगे प्रैक्टिस कराएंगे और ऐसी तैयारी करवा देंगे आपकी जो uh, आपको सिलेक्शन देने में बहुत मदद करेगा ठीक है तो यस आज uh, इसको फिर मैं आगे वापस जान में फिर शुरू ही कर पाऊँगी बिकॉज अभी हमारे जो शेड्यूलिंग है थर्टी डेज क्रैश कोर्स की उसके बाद एग्जाम आ जाएगा उसके वो जो बीच में दस पंद्रह दिन का गैप है उसमें मैं एग्जाम बिफोर एग्जाम लूंगी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व कराऊंगी प्रैक्टिस कराऊंगी तो अभी टाइम नहीं मिलेगा मैं चब्रह को कंप्लीट करने का और थोड़ी रह गई थी आई थिंक महीने का ही काम बचा था बट अभी हम नहीं कर सकते हैं तो मैं जान में इसको रिज्यूम कर लूंगी वापस से ठीक है आ जाइए वापस तो ओरिजिनली ग्रीक पोएट थे ईस्ट पिंडार जिन्होंने इसको शुरू किया था पॉपुलराइज किया था उनके जो ओड्स हैं वो सॉन्ग्स होते थे कोरस जिसको गाता था ग्रीक ड्रामा में आ, तो उ, उ, जो पर्पज कोरस का होता था ग्रीक ड्रामा में उन्होंने वैसे ही कोरल कैरेक्टर्स उठा लिए कोरस के कैरेक्टर्स जो ड्रामा में भी परफॉर्म करते थे उन्हीं कैरेक्टर्स को उठा के उन्होंने उनको स्टेज पे खड़ा करके उनसे जो है वो ओड की रेसीटेशन करवाते थे एंड दे यूज टू मूव इन अ रिदमिक पैटर्न अलॉन्ग विदा स्ट्रक्चर सो मूविंग इन अ डांस रिदम टू द लेफ्ट द कोर्स चांट इन द ट्रोफ़ी ठीक है ये मुझे भी ध्यान नहीं था कि स्ट्रोफी लेफ्ट होता है राइट पे होता है तो स्ट्रोफी जो है वो लेफ्ट पे जाके बोलते थे स्टेज के मूविंग टू द राइट ऑफ द स्टेज दे संघ देंटी ट्रोफी एंड दैन स्टैंडिंग स्टिल इन द मिडल दे संघ द ई पोडी तो ये स्ट्रक्चर रहता था स्टेज को यूज़ करते थे मतलब ओड जो हैं ड्रामेटिक एलिमेंट उसमें देखने को मिलता था अब जो आपकी रेगुलर ओड है पिंडारिक ओड है वो क्लोज इमिटेशन है पिंडार की ओड्स की जो प्रॉपर इस स्टैंड पैटर्न में लिखी जाती है स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी पोटी फॉर्म में लिखी जाती है इस फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया है इंग्लिश लिटरेचर में बेन uh, जॉनसन ने अपनी इस ओड टू द दमोशनल मेमरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नॉवल पैर सर ल्यूसियस कैरियन सर एच मॉरिसन 1629 में तो ये इंग्लिश लिटरेचर में हमारे पास पहला क्लासिकल एग्जाम्पल था ऑफ अ रेगुलर ओड एंड उसके बाद ऑफकोर्स कई सारे राइटर्स ने ओड्स अपनी जो है लिखी हैं जैसे कि थॉमस ग्रे की द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी ठीक है एंड उसके बाद हमारे पास बहुत सारी मतलब रेगुलर ओड्स कम है इरेगुलर ओड्स ज़्यादा है तो लोगों ने बोला कि ओड्स का हम वो मटीरियल पिकअप कर लेते हैं ठीक है हम बोल देते हैं कि हमें किसी चीज़ के बारे में किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करनी है और वो बात जो हमें करनी है वो एलिवेटेड मैटर में एलिवेटेड स्टाइल में करनी है उसको रिस्पेक्ट पे करनी है पर हम वो टिपिकल थ्री स्टैंडा वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ फॉलो नहीं कर पाएंगे उस लिहाज से उस काम के लिए उन्होंने जो है इ रेगुलर ओट्स को जो है इंग्लिश लिटरेचर में शुरू कर दिया था इसको पॉपुलराइज करने वाले थे इब्राहिम काउली सिक्सटीन में तो इसलिए इनको काउलियन ओड्स भी बोलते हैं तो उन्होंने पिंडार का स्टाइल इमिटेट तो किया बट उसका जो स्टैंडा पैटर्न है उसको डिसरिगार्ड कर दिया था तो लेंथ जो है आपकी ओड की वो फाइव स्टैंड टेन स्टैंड ट्वेंटी स्टैंडाज भी हो सकती थी फॉर एग्जाम्पल सबसे क्लासिक एक्जाम्पल है वर्ड्स वर्थ की ओड इंटीमेशन ऑफ इमोटेलिटी एटीन जीरो सेवन ये एक ऐसी ओड है अगेन जो इंटीमेशन ऑफ इमोटेलिटी को जो जो को रिस्पेक्ट पे कर रही है ट्रिब्यूट पे कर रही है बट एट द सेम टाइम इसकी लेंथ रेगुलर ओड से काफ़ी ज़्यादा लंबी है इट्स इट्स क्वाइट लॉन्ग एज कम्पेयर टू अ रेगुलर ओड ठीक है जी सो पिंडार्स ओड्स वर एनकॉमियास्टिक ये वर्ड एक नया हम यहाँ देख रहे हैं that is they were written to praise and glorify someone तो so, ये बात ध्यान रखना ode का purpose ही होता है कि आप at the center of 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 this venture when you're writing an ode the most important factor is going to be that you're trying to pay respect to somebody you're trying to pay a tribute to somebody theek hai na yahi hota hai fir uske kuch aur examples diye hue hain wo aap pad lena theek hai main aapko suna bhi deti hu john dryden ki anne killigrew ड्राइडन की अलेक्जेंडर्स फीस कॉलिन्स की ओर टू इवनिंग या फिर ग्रे की हिम टू एडवर्सिटी वर्ड्सवर्थ की ओट टू ड्यूटी ये भी कुछ पोएम्स हैं जो ओट के फॉर्मेट में है इन द वे कि अपने सब्जेक्ट मैटर को ग्लोरीफाई कर रही है उनको रिस्पेक्ट पे कर रही है बट ये पोएम्स भी आपको रेगुलर ओट के फॉर्मेट में नहीं देखने को मिलेंगी अब इसकी एक मॉडिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया हो रेशियन में देखने को मिल रही थी रोमन राइटर लैटिन राइटर द होरेस इन कंट्रास्ट टू द पैशन विजनरी बोलनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ पिंडारोट मैनी हो रेशियन नोट्स आर काम मेडिटेटिव एंड कोलोकियल तो बहुत ही एलिवेटेड जो स्टाइल है मैटर है एलिवेटेड डिक्शन में जो बात की जा रही है अपने सब्जेक्ट मैटर के लिए सीरियस तरीके से अपना सब्जेक्ट मैटर को ट्रीट किया जा रहा है पिंडारे कोर्ट में उसके बिल्कुल उल्टी है हॉरीशो नोट बिकॉज हो नोट जो है काम है काफ़ी सिंपल है मेडिटेटिव है कोलोकियल लैंग्वेज में लिखी गई है ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप किसी आपको स्टेज में नहीं होता स्कूल में असेंबली में कॉफ़ी ठंडी हो चुकी है कोई बात नहीं अब तो अब तो ऐसी चलेगी हम्म तो so, स्कूल में नहीं होता था जब असेंबली uh, में हमें टर्न्स मिलती थी रोल नंबर बाय रोल नंबर स्टेज असेंबली में जाके कुछ बोलने की या कुछ रिसाइट करने की तो आप उसमें स्पीच प्रिपेयर करते थे तो टू गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल ऑल माई टीच ऑल माई वर्दी टीचर्स एंड ऑल माई डियर स्टूडेंट्स एक पूरा फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते थे ना एंड लास्ट uh, में बोलते लास्ट नॉट द लीस्ट थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी फॉर योर attention, अटेंशन you यू anticipation, blah ब्ला blah, blah करके आप फिर एंड कर देते थे यू रिमेंबर स्कूल में हम सब करते थे तो वो वाला जो एक स्टाइल है ना वो पिंडार का था अब मान लो अब दो दोस्त एक दूसरे के साथ नॉर्मली एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दोस्त दूसरे की तारीफ कर रहा है तो उसको अब ये फॉर्मेलिटीज़ ये फॉर्मल डिगनीटरीज़ नहीं देने की जरूरत है वो नॉर्मली भी बात करेगा तो उसका मैसेज जो है कन्वे हो जाएगा अपने फ्रेंड को तो वो स्टाइल जो है असेंशली फॉलो कर रहे थे जैसे कि मावल की कमाल की पोएम है ओड अपॉन क्रॉम्बल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड कीट्स की ओड टू ऑटम ये सारी क्लासिक एग्जांपल है हमारे पास हो ओड की क्लियर है सबको डन है आ जाओ नीचे नेक्स्ट नेक्स्ट है ओनोमेटपिया

पहले तो नैरोस की बात कर लेते हैं सिंपली पुट अ वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड टू डुप्लीकेट द साउंड दैट इट इज सिग्निफाइंग जैसे कि हिस स्नेक की हिसिंग है बी की बजिंग है रैटल uh, होता है खिलौना होता है बच्चों के खेलने वाला बैंक वेन समथिंग हिट्स अनदर थिंग विद ग्रेट इम्पैक्ट इट क्रिएट्स अ बैंक साउंड सो ये जो वर्ड हैं सारे ओनोमैटोपिक आपके वर्ड्स हैं ठीक है सो टू लाइन्स ऑफ एल्फ्रेड स्टेनिस कम डाउन ओ मेड आर ऑफ्टन साइटेड अ स्किलफुल इंसेंस ऑफ ओनोमैटो पिया एंड द मोन ऑफ डव्स इन द मेमोरियल एल्म्स एंड मर्मरिंग ऑफ इन बीस मर्मरिंग जो यहाँ पे है वो ओनोमैटोपी uh, oh, no एक वर्ड है साउंड को बीज की जो मर्मर है उसको जो है रेप्लीगेट कर रहा है ठीक है ये तो हो गया इसका एक जनरल सेंस में लेकिन अब इसका एक और ब्रॉडर सेंस में एप्लीकेशन भी हम लोग देख लेते हैं इन द ब्रॉडर सेंस ओनोमेटोपिया अपलाई टू वर्ड्स और पैसेजेस विच सीन टू कॉरेस्पॉन्ड टू वर्ड टू स्ट्रॉगली सजेस्ट वॉट दे डिनोट इन एनी वे वट एवर इन साइज मूवमेंट टेक्सटाइल फील्ड ड्यूरेशन और फोर्स तो ओनोमैटोपिया को अगर आप स्पेशली uh, uh, अगर आप नेट से हटके देखोगे तो इसका ये सेंस आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको कोई भी आप एग्जाम दोगे कोई भी फॉर एग्जाम्पल डी जी टी एग्जाम दे रहे हो या नेट से नीचे लेवल का कोई भी और एग्जाम आप अगर देंगे तो वहाँ पे ओनो का आपको वो नैरो सेंस ही देखने को मिलेगा ब्रॉडर सेंस जो है थोड़ा सा वो इसके राउंड मैंने कोई क्वेश्चन बनता देखा नहीं है बट हमें नॉलेज होनी चाहिए कि सिर्फ साउंड से हम ऊपर अभी बोल रहे हैं नैरो सेंस में कि जब एक वर्ड अपनी साउंड को सिग्निफाई करता है Uh, तो जो भी वो मीनिंग कन्वे होना है वो साउंड की सिग्निफिकेशन से होगा यहाँ ये यह बोल रहे हैं कि कोई भी मूवमेंट uh, हो सकती है कोई भी साइज़ हो सकता है कोई भी टैक्टाइल फ़ील कोई भी टच की फीलिंग हो सकती है ड्यूरेशन हो सकती है फोर्स हो सकती है जिसके थ्रू जो है हम uh, अपने साउंड की जो है सिग्निफिकेशन कर रहे हैं उसको हम लोग ओनोमैटोपिया बोल रहे हैं अलेक्जेंडर पोप रेकोमेंट सच एक्सटेंडेड वर्बल मिमिक्री इन हिज एसेज ऑन क्रिटिसिज्म व्हेन ही सेज दैट द साउंड शुड सीम एन एको ऑफ द सेंस एंड गोज ऑन टू इलस्ट्रेट हिज मैक्सिम बाय मिमिकिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिया है वैन एजैक्स ड्राइव सम रॉक्स वास वे टू थ्रो द लाइन टू लेबर्स एंड द वर्ड्स मूव स्लो

तो यहाँ पे जो भी आइडिया कन्वे करने की कोशिश की जा रही है उसके साथ ये वर्ड्स जोड़ती हैं जो कि स्पीड से रिलेटेड हैं कि कोई कई कोई चीज़ें स्विफ्ट मूविंग है कुछ चीज़ें स्किम अलोंग कर रही हैं कुछ चीज़ें फास्ट हैं Uh, किसी चीज का वेट हैवी है तो वर्ड्स के थ्रू आप एक आइडिया को एक फीलिंग को कन्वे कर पा रहे हैं एक, एक एक्सपीरियंस को कन्वे कर पा रहे हैं ये वर्ड्स भी आपके ओनोमेटिपिया में काउंट होंगे तो ये काफी एक्सेप्शनल केस है ये मैंने अभी तक वैसे इसके ऊपर कोई सवाल देखा नहीं है बनता हुआ लेकिन फ्यूचर में अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट आ जाता है ओरल पोइ्री ओरल पोइट्री क्या होती है औरल पोइट्री औरल फुलिक इज कंपोज एंड ट्रांसमिटेड बाई सिंगर्स एंड रिसाइटर्स फ्रॉम द टाइम्स ऑफ एंटीक्विटी तो याद रखिएगा कि हमने पहले लिखना नहीं शुरू किया पहले हमने लैंग्वेज को बोलना शुरू किया है so, सो जब पहले के बहुत अब से हजारों साल पहले uh, जब लिखना सबको नहीं आता था या फिर हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम मास प्रोडक्शन कर सके किसी भी चीज़ का तो मान लीजिए एक पोएट है एक पोएट ने अपना कुछ खुद के मैन्यूस्क्रिप्ट पे कुछ लिखा वो मैन्यूस्क्रिप्ट क्रिएट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता था, था बिकॉज वो पार्चमेंट पेपर को क्रिएट करना उसको मेंटेन करना उस पर इंक से लिखना वो सब काफ़ी टेक्निकल आर्ट मानी जाती थी स्किलफुल आर्ट मानी जाती थी अब से कई हज़ारों साल पहले तो मान लीजिए एक पोएट है उन्होंने अपनी मेमरी में एक पोएम को जो है क्रिएट कर दिया है और अब वो जो है जनरेशन बाई जनरेशन वो पास ऑन होती जा रही है ऐसी पोएम्स जो है ओरल पोइट्री होती थी सबसे कमाल की बात है जैसे हमारे पास इतनी लंबी जो दो ग्रेट एपिक पोएम्स हैं होमर की इलियाड और ओडिसी ये भी उन्होंने मेमोरी से याद की हुई थी उन्होंने पहले लिखी नहीं थी होमर वाज ब्लाइंड एक्चुअली सो उन्होंने उसको लिखा नहीं था पहले ही हैड समन एल्स राइट इट फॉर हिम बट ही हैड रिमेंबर्ड बोथ द लॉन्ग एपिक पोएम्स लाइक अ कपल ऑफ थाउजेंड लाइन्स लॉन्ग पोएम्स बाय मेमरी आज भी मैं देखती हूँ जैसे एज स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैं अपने uh, किसी मैं uh, मैं किसी से डिस्कस भी कर रही थी रिसेंटली कि अभी इंटरनेट के आने से और कॉलेज में खैर हमें इतना ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस पे फोकस ले आते हैं कि uh, इंटरनेट हाथ में होने से वो लाइब्रेरी कल्चर जो है कम हुआ है तो तब से आप रिसेंट इंग्लिश ग्रेजुएट्स में देखोगे तो वो पोएम्स रिससिटेशन का स्किल वो लूज़ कर चुके हैं या फिर पोएम्स की मेमोराइजेशन का स्किल जो है वो लूज़ कर चुके हैं आप इन्हीं लोगों को अब कंपेयर करो इंग्लिश ग्रेजुएट्स को कंपेयर करो विद द इंग्लिश ग्रेजुएट्स दैट वर देयर लाइक ट्वेंटी थर्टी ईयर्स अगो और मे बी हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के वो जो लोग हैं वो लाइब्रेरी क्योंकि इंटरनेट था नहीं लाइब्रेरी जाके अपनी हाथों से नोट्स लिखते थे पोएम्स लिखते थे वो स्किल जो है उनके अंदर बहुत ही कमाल के तरीके से जो है डेवलप था और मेमरी uh, शार्प थी उन लोगों की बिकॉज ऑफ कोर्स इतना लर्निंग वो कर रहे थे इन द प्रोसेस थे लाइफ इतनी आसान नहीं थी तो मेमोराइजेशन करनी पड़ती थी उन लाइन्स की उस मेमोराइजेशन के अंडर वो कितना कुछ कितनी सारी पोएम्स की लाइन्स पूरी पूरी पोएम्स जो है लर्न कर लेते थे एंड या yeah, आज के टाइम में भी जैसे लोग शेर व शायरी करते हैं तो लोग देख के ज़्यादा जो है पढ़ के सुनाते हैं राधा दिन अब से पहले की जनरेशन के जो लोग हैं वो मुशायरे हो रहे हैं और लोग ऐसे ही शौक़ शौक, -शौक में इतने इतने शेर सुना देते थे, थे तो वो मेमोराइजेशन जो है कम हो रही है आज बिकॉज हमारे लिए चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा आसान हो गई हैं पर याद रखिए यही ओरिजिनल फॉर्म था यही ओरिजिनल मेथड था ऑफ स्टोरी ट्रांसमिशन ओरल पोइट्री इंक्लूड्स बहुत नैरेटिव पोएम्स एंड लिरिकल पोएम्स तो लिरिकल पोएम्स में आपकी फोक सॉन्ग्स हो गए और नैरेटिव पोएम्स में आपकी पुराने जमाने की एपिक पोएम्स हो गई या बैलेड्स हो गई ठीक है ना ये दोनों ही जो है ओरल पोइट्री का पार्ट होती थी इनके साथ एक परफॉर्मेंस का एस्पेक्ट जो है जुड़ा होता था uh, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश एंग्लो सैक्सन ईरा में पर्टिकुलरली एंग्लो सैक्सन ईरा में एंड उसके आसपास का जो पीरियड है उस पीरियड में कुछ स्कोप्स होते थे या टर्म अलग अलग है मिनस्ट्रल्स होते थे या बार्ड्स होते थे ये कोर्ट टू कोर्ट परफॉर्म करते थे फ्राम कोट टू कोट टू परफॉर्म ठीक है परफॉर्मेंस बेस्ड होती थी इनकी रेसिटेशन uh, और अपनी परफॉर्मेंस को किसी दूसरे स्कोप या किसी दूसरे बार्ड की परफॉर्मेंस से बेटर बनाने के लिए ही एंग्लो सैक्सन इरा में क्योंकि अभी एंग्लो नॉर्मन ईरा नहीं आई थी तो राइमिंग अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी राइमिंग इंग्लिश पोइट्री में फ्रेंच पोइट्री से आई है तो वो राइमिंग से पहले इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए अपनी पोइट्री को ज़्यादा इंपैक्टफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए जो है क्या कर दिया था पोएम में एलिटरेशन जोड़ दी थी तो इस पीरियड की पोइट्री को हम एलिटरेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं हैवी है एलिटरेशन का यूज़ जो है ये लोग करने लगे थे बिकॉज परफॉर्मेंस एस्पेक्ट जुड़ा हुआ था ओरल पोइट्री ओरल ट्रेडिशन ऑफ पोइट्री के साथ तो वो हर वो चीज करने की कोशिश कर रहे थे जिसके थ्रू वो पोइट्री को बेहतर तरीके से जो है रिसाइड कर सकें um, हाँ जी मेन्द्रानी सुबह यू वॉन्ट जॉइन माई क्लासेस फॉर जैन दैनवरी बाज बैच मैं अभी क्लास केन में आपको दिखा दूंगी ठीक है मैं क्लास केन में आपको भी दिखा दूंगी क्या करना है आपने उसके लिए वापस एक बार नोट्स पे आ जाओ ओरल बस एंड सॉन्ग्स हैव बीन कलेक्टेड एंड एवर सिंस तो पहले ही ओरल ट्रेडिशन से पास ऑन हो रहे थे बट देन एक पॉइंट आया जब कपल ऑफ़ राइटर्स जो फोक लिटरेचर में उनकी स्पेशलाइजेशन थी दे सैड डाउन एंड दे कलेक्टेड ऑल दीज औरल पोएम्स इन टू अ बुक एंड वहाँ से इनकी पब्लिकेशन का जो प्रोसेस शुरू हो जाता है पर्टिकुलरली फ्रॉम द एटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी से जो है एक सिस्टमेटिक अनालिसिस होने लगा ऑफ औरल फॉर्मुलिक पोट्री ठीक है ऑल्सो नाइनटीन थर्टीज में इसको एक्सपैंड किया अमेरिकन स्कॉलर मिलमेन पैरी ने उन्होंने जो है यूरोपियन कई सारे ओरल कस्टम्स को जो है स्टडी uh, किया और उस पर जो है रिसर्च की सो so, हमारे पास आज की तारीख में एंग्लो सैक्सन इरा की भी पोइट्री है ओरल पोइ्री है एंग्लो नॉर्मन इरा की भी जो है ओरल पोइट्री हमारे पास आज एग्जिस्ट करती है फॉर एग्जांपल होमेरिक एपिक्स हैं होमेरिक एपिक्स जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी ओरल ट्रेडिशन में शुरू हुई थी बाद में लिखी गई हैं उसके बाद आपकी पास एंग्लो सैक्सन हमारी एपिक पोयम है दी ओनली सर्वाइविंग एपिक पोयम बियो ये भी ओरल ट्रेडिशन से बनी गई थी फ्रेंच रोमांस था चैनसन दे रोलेंड ये कुछ क्लासिक हमारे पास एपिक पोएम्स हैं लंबी लंबी लाइंस की हैं कई कई हजार लंबी लाइंस हैं इन पोएम्स में और कैसे उनका जो पोएट है जो क्रिएटर है कैसे उसको मेमोरी में, में रखा ये, कब ये सोचने वाली बात है मतलब एक ठीक है जी चलो द टेक्नोलाइज द टेक्नोलोजाइजिंग द टेक सॉरी टेक्नोलोजाइजिंग ऑफ द वर्ल्ड इन 1982 में जो है ये एक बुक जो है लिखी गई थी uh, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है अभी मैं जिस बारे में बात कर रही थी मैं वही आपको बता रही हूँ इट बेसिकली एनालाइजेस कि जैसे जैसे हमारा हमारी पोइट्री हमारा रिटर्न वर्ड टेक्नोलॉजी से इंपैक्टेड हो रहा है वैसे वैसे उसकी कॉम्पोजिशन के अराउंड क्या ट्रेडिशनल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि पहले जो प्राइमरी मोड था ऑफ पोइट्री वो ओरल था अब जो है रिटर्न है उसकी वजह से जैसे मैंने बोला मेमोरी पे भी इंपैक्ट पड़ा है रेसीटेशन के कल्चर पर भी इम्पैक्ट पड़ा है तो ये सब चीज़ें जो हैं इस बुक में अच्छे तरीके से कवर की हुई हैं तो इसका नाम आप लोग देख सकते हैं राइट सो आई थिंक लेटर ओ इज ऑल्सो सॉर्टेड हेयर लेटर पी से अब हमें शुरू करना है लेकिन अभी वक्त नहीं है मैं कोशिश करूंगी बीच बीच में कुछ क्लास वगैरह लेने की रखने की बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं जो हमारा पुराना शेड्यूल है हमने आपको जो बताया है सो so, 15th अक्टूबर से 15th नवम्बर रहने वाला है हम लोगों का फ्री क्रैश कोर्स ऑन यूट्यूब यूट्यूब पे फ्री क्रैश कोर्स क्लास आपकी रहने वाली है तो आप रोज़ हमारे साथ टीचर्स के रेगुलर टाइमिंग पे मेरे मेरी तीन बजे की क्लास होती है तो तीन बजे मेरे साथ आप रेगुलरली जुड़ो फ्री क्रैश कोर्स तीस दिन में आपको दस यूनिट्स की जो है कमाल की प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से इसकी प्रैक्टिस करा देंगे तो पंद्रह अक्टूबर से पंद्रह नवंबर प्लस जो हमारे मैराथन का शेड्यूल है वो भी हमारे ऑनलाइन चैनल पे शेयर्ड है वो होने वाली है और कल पेपर वन की कंबाइंड मैराथन है इसलिए आज कोई भी आ, आ, पेपर वन की क्लास नहीं हो रही है बिकॉज आज कंबाइंड मैराथन आपको जो है यहाँ देखने को मिलेगी लेकिन इसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि आप जून जैसे किसी का डाउट आया है कि मैम जनवरी वाले बैच में चुन रहे हैं तो अगर जून 24 वाले बैच को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो इसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं जनवरी में आप इस बैच में प्री एंड कर सकते हैं प्री एंड का फ़ायदा क्या है देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है हर महीने हमारे बैच के प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं ये सेम बैच जो आपको इस वक्त मिल रहा है सेवेंटी थ्री का मेरा कूपन कोड लगा के वाई ये आप जनवरी में ही आके एनरोल करोगे तो ये आपको तकरीबन नौ दस हज़ार रुपये का पड़ेगा तो अभी एनरोल करने का ये फ़ायदा है अगर आप, आपको श्योरिटी ही है कि जून में आपने यू यू विल बी सिटिंग फॉर द एग्जाम एंड यू वांट टू सीरियसली प्रिपेयर फॉर इट देन दिस इज द राइट टाइम टू एनरोल बिकॉज अभी विद एवरी पासिंग मंथ द प्राइजेज आर गोइंग टू इंक्रीज बाई सेवन टू वन पर मंथ तो ये बैच आपको हज़ार रुपये दस हजार तक का मिल रहा होगा मैं एक बार ऑनलाइन दिखा देती हूँ बैच मैन रोल कैसे करना है हमारी अडर ट्वेंटी फोर सेवन की एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाना है और उस पर जाके मेन पेज आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना अटर ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन का नाम है अडर ट्वेंटी फोर सेवन वहाँ जाके यू जी सी में आप यू जी सी ने जून दो हज़ार चौबीस में सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले मेरा ही बैच आपको दिखेगा ठीक है फाउंडेशन बैच है इसमें कंबाइंड नहीं बना का एक सेकेंड पेपर वन पेपर टू का अच्छा कंबाइंड नहीं बना अभी अभी, अभी इंडिविजुअल बैच ही है ठीक है तो इंडिविजुअल बैच तो सात हज़ार का नहीं है वो तो वो जो मैं सात हज़ार प्लस का बता रही हूँ वो तो मैं पेपर वन पेपर टू बुक्स और टेस्ट सीरीज वाला कॉम्बो बता रही थी कॉम्बो इसमें भी बनानी है पर तो कॉम्बो जल्दी बन जाएगा अभी आपको मेरा इंडिविजुअल छः महीने वाला बैच मिल रहा है कोड आपने लगाना है वाई फाइव फोर टू तो ये बैच जो ओरिजिनली ट्वेंटी थाउजेंड का था ये आपको पड़ेगा सिर्फ फोर्टी सेवन हंड्रेड का और जनवरी में अनरोल करोगे तो इससे आप ढाई तीन हजार ज़्यादा ही मान लो मतलब यही बैच आपको छः सात हज़ार का मिल रहा होगा तो महंगा मिलेगा बेसिकली तो किसी ने एनरोल करना है तो अभी कर लो भाई जून अटेम्प्ट के लिए अगर सीरियस हो तो ठीक है चलो थैंक यू सो मच है कल मिलते हैं नहीं कल तो आपकी मैराथन है पेपर वन वालों के साथ मैं मंडे से रिज्यूम करती हूँ आपके साथ मंडे से हम लोग करने वाले हैं हमारा फिफ्टीन अक्टूबर uh, से शुरुआत फिफ्टीन तो आई थिंक संडे पड़ रहा है बट हम करने वाले हैं क्लासेस का मैंने किशोर बता दिया आप अभी देख लो तो हम शुरू करने वाले हैं हमारी थर्टी डेज मैराथन तो जुड़ना ना भूलिए हमारे साथ ओनली ऑन यूजीसी ने टाटा ट्वेंटी फोर सेवन अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो टेक बाय बाय